हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुजरात में भी कोरोना का मीटर तेजी से भाग रहा है। पिछले 24 घंटे में 1400 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अहमदाबाद और सूरत हॉटस्पॉट बन रहे हैं। यही वजह है कि गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज से अहमदाबाद में सुपर स्प्रेडर कैटेगरी में शामिल लोगों के टेस्ट शुरू हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सुपर स्प्रेडर में ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इनमें कोरोना के लक्षण नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनमें कोरोना के लक्षण नहीं होते और ये वायरस फैलाते हैं। अहमदाबाद में जिस तेजी के साथ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अब कॉरपोरेशन ने एक बार फिर ये फैसला किया है कि जितने भी सुपर स्प्रेडर कैटेगरी के लोग हैं उनके टेस्ट सभी के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जाएं, ताकि उनको आइसोलेट करके अलग किया जा सके। क्योंकि हमने देखा था जब मार्च में कोरोना का संक्रमण बढ़ा था पिछले साल, तब उसके बाद आप देख सकते हैं जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं या दूसरे जो शॉप ओनर्स हैं, ऐसा पाया गया था कि वो सुपर स्प्रेडर साबित हुए थे और उनकी वजह से काफ़ी फैला था। और उसके बाद एक पूरा ड्राइव चलाया गया था जिसमें मास स्केल पर सर्वे और टेस्टिंग किए गए थे इनके, जिसके बाद परिस्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई थी। और एक बार फिर अब यही मेजर लिया जा रहा है जिसमें अगले कुछ दिनों तक अहमदाबाद के सारे जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग हैं, किराना स्टोर पे काम करने वाले लोग हैं और मेडिकल शॉप्स में या दूसरे जितने भी लोग हैं और होम डिलीवरी करने वाले लोग या फिर जो मॉल्स में काम करते हैं, उन सबके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे और बाकी सबके रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जाएंगे। आप देखिए ये पूरा मार्केट एरिया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग जगहों पर कॉरपोरेशन की जो टीम्स हैं वो इसी तरह से जा करके अपना कैंप कर रही हैं और लोगों को वहाँ से उस क्लस्टर से इकट्ठा करके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके ट्रेस किया जाए और उन्हें आइसोलेट किया जाए, ताकि कोरोना का जो ये संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में किया जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।